उदाहरण ले रहा हूँ अरविंद जी हैं, इनका आदत क्या है, उदाहरण ले रहा हूँ खाली, कि मेरे को दुकान में बैठना है तो इनको दुकान में ही मन लगेगा। लेकिन 21 दिन अगर ये फील्ड में निकल के काम करने लगे तो 22वें दिन इनको मन ही नहीं लगेगा और 90 दिन के बाद वो लाइफ स्टाइल में शामिल हो जाएगा। आप चाहते हैं इसमें सक्सेस हो? यस। तो मात्र 21 दिन के लिए वो सब कुछ कर लीजिए जो सफलता के लिए जरूरी, कितना नहीं पूरा जीवन का जरूरत नहीं, वो अपने आप सेट हो जाएगा। 21 दिन सुबह जल्दी उठना, 21 दिन ड्रेस कोड पहनना, 21 दिन लगातार सीखना, 21 दिन लगातार लोगों को डाउनलोड में सिखाना है ना, लगातार 21 दिन घर से बाहर निकलना, 21 दिन लगातार रोज कम से कम 5 होम मीटिंग करना, छोटी छोटी चीज़ें और क्या करना मैं आपको आगे बताऊंगा 21 दिन लगातार। लेकिन सवाल मेरा ये है, क्या ये 21 दिन हम कर सकते हैं? यस सर। 21 दिन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लाइन छोड़ दीजिए, 5 साल कैसे गुजर गया, 7 साल मेरा कैसे गुजर गया, छोड़ दीजिए। मैं आपसे सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ, क्या 21 दिन हम सब कुछ भुला के, सब कुछ त्याग के, सब सैक्रिफाइस करके हम वो आदत डाल सकते हैं जो आदत आपको क्राउन पेशेंट बना सकती है? डाल सकते हैं। यस सर। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज लिखा है, 21/90 नियम को यूज करना है। इट्स टेक्स 21 डेज टू क्रिएट अ हैबिट एंड 90 डेज टू क्रिएट अ लाइफस्टाइल। क्लियर है? किसी भी चीज को 21 दिन जब आप करते हैं तो क्या बन जाती है? आदत। सब लोग बोले क्या बन जाती है? आदत। आदत। किसी के बारे में अंड फट बोलना 21 दिन बंद कर दीजिए, 22वें दिन उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं जाएगा, राइट? यस सर। 21 दिन कोई भी काम, आप एक काम कोई भी घर के करके घर में टेस्ट कर लीजिए, कोई भी काम। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको सबसे अच्छी चीज में बताना चाह रहा हूँ कि सुबह उठने का आदत लीजिए, सुबह उठने की, तो आपको वो आदत ऑटोमेटिकली 22वें दिन बाय डिफॉल्ट नींद खुलेगी, अलार्म की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू अलार्म। आप लगातार 5 बजे उठेंगे, 21 दिन जबरदस्ती अलार्म लगा के 22वें दिन अलार्म से पहले नींद खुलेगी, गारंटेड, मेडिकली साइकोलॉजिकली प्रूवन। क्लियर है? यस सर। तो 21 दिन के अंदर आपको आदत बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या आदत बनानी है, और 90 दिन जब इसी चीज को कर लेते हैं तो क्या बन जाती है? जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, जीवन शैली। और 90 दिन तो थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, लेकिन 90 दिन बाद वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, उसके बिना मन नहीं लगेगा, सवाल ही नहीं है। जैसे जो भी लोग आज यहाँ पे IMC कर रहे हैं, लगातार घर से बाहर आते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं, मीटिंग करते हैं, उनको आप जब घर में रखेंगे ना, उनको लगेगा कैद कर लिया, उसको मजा ही नहीं आएगा, उसको रोज चाहिए कुछ प्लान दिखाना, कुछ नए लोगों से मिलना, कुछ बात करना। तो 90 डेज, यानी मैं अगर ये बात करूँ कि ओवरऑल कोर्स कितना है सेफी बनने का, तो मात्र 90 दिन। कितना दिन का कोर्स है? 90 दिन। ये प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जहाँ पे आपको 2-3 साल लगेगा, लेकिन मात्र नसीबी बनने की जो आदत है वो डालने के लिए मात्र 90 दिन चाहिए, मात्र जस्ट 30 डेज हो, कर सकते हैं? Yes, sir. और एक बार क्राउन परसेंट बन गए बॉस, तो आप इतना माइंड सेट कर लीजिए कि 4-5 लाख 6 लाख रुपए के लिए सोचना नहीं है आजीवन। मैं वैष्णो देवी कहता, आई थिंक 2-2.5 महीने पहले की बात है, तो वहाँ नेटवर्क नहीं रहता, अब लोग आई थिंक गए होंगे, जो भी लोगों को पता होगा नेटवर्क ही नहीं रहता, तो वहाँ मैं 2-3 दिन रुक गया। जब 2-3 दिन बाद वापस कटरा वापस में आया रेलवे स्टेशन, तो मैं देख रहा था मेरा बिजनेस वालों 3 दिन में करीबन 12 लाख बीवी बढ़ गया। कितना बीवी बढ़ गया? 12 लाख बीवी बढ़ गया। तब बड़ा जब मैंने किसी का फोन रिसीव नहीं किया, किसी से बात नहीं किया, किसी को फोन नहीं किया, क्या ही नहीं। और 12 लाख बीवी का 10% भी अगर आ रहा है तो 15 लाख रुपए का काम तो हो गया। ये तब हो गया जब हमने फोन रिसीव नहीं। लेकिन एक बार 90 दिन के लिए आपको ये सब काम करना पड़ेगा जो मैं आपको आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट है, ये है सक्सेस हैबिट्स, ये आदत में हमको डालना पड़ेगा अगले 90 दिन के लिए। ये सब लोग लिखिए, मैं भी अपना इसका एक एक्टिविटी करा सकता हूँ, लेकिन चलिए कभी आगे कराते हैं, अभी फिलहाल लिखिए आप। डेली 5 प्लान दिखाने की आदत, ये सिर्फी बनने की आदत है। डेली 5 ज्वाइनिंग करने की आदत, डेली टीम को मोटिवेट करने की आदत, ऑडियो से, वीडियो के माध्यम से, बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, ऑफर्स के बारे में जानकारी देंगे,
तो इसमें तीन पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट इज डेली 5 बिजनेस क्लास हो, सेकंड इज 5 जॉइनिंग और थर्ड इज मोटिवेट योर टीम, मोटिवेट योर सेल्फ, खुद को मोटिवेट करना है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, जैसे पानी में रहकर मगर से बैठ नहीं हो सकता, उससे तक ये मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग में रहकर आप नेगेटिव होकर सक्सेस नहीं हो सकते। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और पॉजिटिव रह के ही आपको सफलता मिल सकती है। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो। लिख लिया तुमने? यस। नहीं लिख लिया, फटाफट लिख लिया। हर फील्ड में सब पॉजिटिव रह के सक्सेस मिलती है, हर फील्ड, डेफिनेटली हर फील्ड में दुनिया के, लेकिन खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में। यहाँ अगर एक दिन आप नेगेटिव हो तो एक साल पीछे चले जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। बहुत मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग जुड़ते हैं जिनको मैंने देखा है कि वो महीने में 15 दिन पॉजिटिव 15 दिन नेगेटिव रहते हैं, चार चार साल हो गया अभी तक सिल्वर गोल्ड में घूम रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों में जानता हूँ जो बिजनेस को ज्वाइन किया, चार छः महीने के अंदर चेयरमैन बन गए, लाखों के इनकम है, कारण वो चार छः महीने पूरा ही पॉजिटिव था। कभी भी सस्पिशन नहीं अपलाइन के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर डाउट नहीं, वो यहाँ क्या सक्सेस। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपको पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा, खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग में एक भी मिनट एक भी सेकंड नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आप नेगेटिव डाउनलाइन में नेगेटिव वाइब्स जाएगा, आप पॉजिटिव वो पॉजिटिव वाइब्स जाएगा। वैसे भी जब आप नेगेटिव रहते हो तो आपकी एफिशिएंसी वीक हो जाती है, आप उस काम को प्रॉपर नहीं करते, डेफिनेटली किसी भी काम को कर रहे हो तो उस काम में आप रिजल्ट नहीं ला पाओगे। नेक्स्ट, और डेली वेयर आयंस ड्रेस कोड, आयंस का ड्रेस कोड क्या है, टी शर्ट जींस जो भी हमारा ड्रेस कोड है, ये भी एक बहुत एक पॉजिटिव वाइब्स देता है आपको, आपको लगता है कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं।